साड़ी ले आओ, 60 लाख को टुकड़ा है। आओ, आओ, 60 लाख। हाँ भौजी, बात तो तुम्हारी सही है। एक बात बताएं, जितनी चमकनी चूड़ी तुम्हारी है, इतनी हमने गोकुल में काऊ गोपी की नाय देखी। देख कर नैया तो पता नहीं, तेरे भैया जो ना वो हरो वालो टम्फर चला सीधे फिरोजाबाद जात हो, तो किराची किराची लाए चलो आओ। ओई चमकनी है तो कर नजर मारे। हाय बातो बातन में फंस गई। आज भगवान ने झटका दिया, बोली लाला जान रहे थे कछु न कछु तुम लीला करे, कल फिर आओगे। कल गाओ दे बात है बना है तो मोल ही करती नहीं, मोल का करती नहीं। ये सभी सखियां लवरियान लगी बात है। आज भगवान भागे, दूसरा दिन हुआ, बोले हैं दामा भैया आज तेरे घर का नंबर है और तेरे घर में चोरी होगी। देख मेरी जो भाभी है, कैसी है भाभी, फूलंदेही कैसी है, अवे जेसी भी लेके जा तुम्हारी फराई भाई। तो बेटा हाँ याद करियो तो जेसी भी रखती है, ऑयल मार्क लगाती है, ख्याल करियो बेटा। कछु होए लेकिन तेरे घर का नंबर तेरे घर में चोरी होगी, तू मर भी ना देना ना। तो चल बेटा चल भैया चल। आज भगवान ने ग्वाल वालों को लिया तो कहते हैं ललिता नाम की गोपी बड़ी चालाक थी, उसने समझाया है दामा की भाभी को, बहना मेरी बात मान, तेरे घर में कभी जीवन में चोरी नहीं हो सकती। बोले क्या, एक काम कर, जितनी माखन की मटकियां हैं सब में एक एक घंटरिया बांध, पीछे वाले कमरा में रखिया, अलीगढ़ वालों तालो डाल दे, देख जीवन में तेरे घर में कभी चोरी हो जाए। ठीक है ऐसे करे। आज ललिता के कहने पर उस ब्रज गोपी ने क्या किया, सभी मटकियन में एक एक घंटी बांधी, पीछे वाले कमरा में रखी आई, अलीगढ़ वालों तालो डालो। लेकिन भैया सांकर लगाए वो भूल गई। भगवान आए ग्वाल वालों को साथ में लिया, मनसुखा ने देखा अलीगढ़ वालों तालो पड़ो, कहने लगा है भैया कैसे चोरी हो पाएगी, देख रहे अलीगढ़ वालों तालो पड़ो है। आओ भैया ये कैस किलो को है। भगवान बोले हैं एक काम कर, बोले क्या, ताला तो लगो भैया, अगर साकर या लटकी है मुंह। कहने लगे ऐसा करो, सुनो